डीजीसीए द्वारा बोइंग 737 मैक्स 9 विमानों की उड़ान पर रोक, जारी किए ये निर्देश। अमेरिका में बोइंग 737 मैक्स 9 विमानों के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लग गई है। ये रोक विमानन नियामकों ने लगाई है। इस आदेश का असर करीब 171 बोइंग 737 मैक्स 9 विमानों पर पड़ेगा। ये निर्देश अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737 मैक्स विमान से जुड़ी घटना के मद्देनजर दिया गया है। अलास्का एयरलाइंस की उड़ान के दौरान शुक्रवार को बोइंग 737 के एक विमान की खिड़की और मुख्य भाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। विमानन नियामक डीजीसीए ने भी शनिवार को घरेलू एयरलाइनों को अपने बीड़े में शामिल सभी बोइंग 737 मैक्स विमानों के इमरजेंसी एग्जिट गेट का तुरंत निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 7 जनवरी को दोपहर तक सभी ऑपरेटरों की ओर से एक बार आपातकालीन निकास द्वार जांच अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि संबंधित विमान का निरीक्षण रात के वक्त किया जाएगा जब वह अड्डे पर होंगे, यानी वे उड़ान नहीं भर रहे हों ताकि उड़ानों पर कोई असर नहीं पड़े। वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट और अकासा एयर के बेड़े में बोइंग 737 मैक्स के 40 से अधिक विमान हैं। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अलास्का एयरलाइंस की घटना के बाद बोइंग 737 मैक्स विमानों को लेकर ये निर्देश एहतियाती उपाय हैं। अलास्का एयरलाइंस के विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद उसकी एक खिड़की में छेद हो जाने की वजह से केबिन के भीतर हवा का दबाव कम हो गया। इसके अलावा विमान के मुख्य भाग का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। अधिकारी ने कहा, डीजीसीए ने सभी भारतीय एयरलाइन को निर्देश दिया है कि वे वर्तमान में अपने बेड़े के हिस्से के रूप में संचालित सभी बोइंग 737 मैक्स विमानों पर आपातकालीन निकास का एक बार निरीक्षण करें। अकासा एयर के बेड़े में 22 मैक्स विमान हैं, स्पाइसजेट के पास 10 से अधिक ऐसे विमान हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 9 ऐसे विमान हैं। डीजीसीए के निर्देश पर बोइंग की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा, हमारे बेड़े में कोई 737 9 मैक्स नहीं है। स्पाइसजेट मैक्स 8 पर डीजीसीए के निर्देशों का पालन करेगा। अकासा एयर के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में एयरलाइन के बेड़े में कोई 737 9 मैक्स विमान नहीं है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, हम इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए बोइंग के साथ साथ अपने नियामकों के संपर्क में हैं और किसी भी सलाह का पालन करेंगे।